जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संजय। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में जो ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, ये आगे कंटिन्यू रह सकती है क्या, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें ध्यान में रखने चाहिए, कल के लिए हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जो हमें ध्यान में रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यार, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 4000 लाइक्स, जो कि आप पूरा नहीं कर रहे हैं, बट मुझे पूरा भरोसा है आप पूरा ज़रूर कर देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यार, कल के दिन हर कोई आपको 14700 के लेवल बोल रहा था, आज के दिन हर कोई आपको 16500 के लेवल बोल रहा है। तो देखिए, व्यू आपके इस तरीके से मार्केट में एक दिन में बदल जाता है। डाउ फ्यूचर्स 500 पॉइंट ऊपर हैं, नैसडैक फ्यूचर्स 200 पॉइंट ऊपर हैं, यूरोपियन मार्केट्स पिछले दो दिन में 2 से 2.5% की तेज़ी के साथ ऊपर आए हैं। हमारे मार्केट्स में एक टाइम के लिए निफ्टी 350 पॉइंट और बैंक निफ्टी लगभग 800 पॉइंट ऊपर था। हल्की प्रॉफिट बुकिंग कुछ इंपॉर्टेंट लेवल से आई है, ऐसे ही नहीं कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग आई है, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो अब आज हम देखेंगे कि किस तरीके से अपने को ट्रेड करना है। तो देखिए, कल हमने बात करी थी कि मार्केट में जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा है, एक बाउंस बैक पेंडिंग था 15700। मैंने क्लियर कट थंबनेल पे लिख के आपको दिया था कि निफ्टी 15700 तक जा सकता है, टारगेट टेक्निकली चीज़ें बता रही हैं इस तरीके से, और वही आज हमें लेवल्स आते हुए दिखाई दिए। तो कभी भी अपना व्यू वन साइडेड बायस बना के मत चलिए। जो लोग कल बुलिश जो बेरिश थे, आज वो लोग बुलिश हो गए होंगे, हो सकता है कल मार्केट दोबारा घूम जाए, क्योंकि यू नेवर नो अमेरिका में क्या होगा। क्योंकि आज कल तो अमेरिका बंद था, आज अमेरिका खुला है, 500 पॉइंट ऊपर फ्यूचर्स हैं, हो सकता है 1000 पॉइंट ऊपर हो जाए, हो सकता है ये 1000 पॉइंट नीचे भी जा सकता है यहाँ से, क्योंकि आज अमेरिका के होम सेल्स नंबर्स के डेटा आने वाले हैं। तो ओवरनाइट पोजिशन जब अमेरिकन मार्केट्स ओपन हो बिल्कुल प्योर गैम्बल है, और इस टाइप की पोजिशनिंग अगर आपको रखनी है, ओवरनाइट रखनी है, तो बिना हेज के पहली बात तो आपको रखनी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपको रखनी भी है तो पोजीशन साइजिंग लिमिट में रखना चाहिए, कि अगर आपके बिल्कुल अगेंस्ट में पोजीशन खुल जाए ना, आप हमेशा वो सोच के चलिए, बिल्कुल अगेंस्ट में पोजीशन खुल जाए तो भी आपको ज़्यादा लॉस ना हो, या लॉस हो तो दर्द ना हो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, अब खैर देख लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आज के दिन क्या हुआ। बहुत अच्छा चार्ट सेटअप अपने को निफ्टी में बनता हुआ दिखाई दिया, सीपीआर रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ने बाउंस दिया। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर्सनल ट्रेड ग्रुप में हमने शुरू सुबह सुबह ही आज जो है निफ्टी की 15600 की ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर दिया था 52 के लेवल के आसपास, 160 का हाई लगाया, तो ज़बरदस्त 3 गुना प्रॉफिट अपने को बना आज के दिन, और सारे मेंबर्स को भी बना होगा। तो मेंबर्स जितने भी लोग हैं वो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा आज आपको कितना प्रॉफिट बना है। और बाकी जो हम लोगों ने शुरू किया था कि ट्रेडिंग करते हुए आज के दिन आपने क्या गलती करी है, क्या अच्छी चीज़ें करी हैं, वो ज़रूर नीचे लिखिएगा। एक ट्रेडिंग जनरल जो हम लोग बना रहे थे, उस तरीके से हमारा कमेंट सेक्शन एक ट्रेडिंग जनरल की तरह होना चाहिए, जो नए लोगों के लिए, जो नए ट्रेडर्स हैं मार्केट में नए हैं, उन लोगों के लिए सीख जो है हम लोग कुछ दे पाएँ और कुछ उनकी हेल्प कर पाएँ। तो ज़बरदस्त ट्रेंडिंग डे आज हमें देखने को मिला, कल नैरो सीपीआर बैंड के बाद तो आज भी ज़बरदस्त ट्रेंडिंग हमें देखने को मिला, बट कुछ इंपॉर्टेंट लेवल से हमें एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखाई दी। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग होना आम बात है ट्रेंडिंग डे पर, बट ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये थोड़ी मेरे को कंसर्निंग साइन जो है वो देने वाली है। निफ्टी में तो समझ आता है, बट बैंक निफ्टी में जिस तरीके की प्रॉफिट बुकिंग आई, थोड़ा मैं कंसर्न हूँ इस तरीके की प्रॉफिट बुकिंग को लेकर, पहली चीज़। दूसरा क्या, एक दिक्कत वाला सिनेरियो बन रहा है, जो क्रूड ऑयल है वो दोबारा 116 के पार निकल रहा है। ठीक है, तो ये जो कल 112 111 के आसपास था, जो हमारे लिए पॉजिटिव था, दोबारा अगर 116 के ऊपर होता है, निकलता है, तो दोबारा से दिक्कत वाला सिनेरियो बन जाएगा। दूसरी चीज़ ये हमें समझनी होगी। अब अगर हम चार्टिकली भी यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले थोड़ा ब्रॉडर टाइम फ्रेम लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा निफ्टी में आज क्यों प्रॉफिट बुकिंग आई। अगर हम आवरली टाइम फ्रेम देखते हैं, तो इस एक्सपायरी वाले दिन को छोड़ दें, 9 जून की जो एक्सपायरी थी, इस दिन को अगर हम एक अलग जो है वो एक्सेप्शन मानते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन हमारे लिए बनती हुई आ रही है आवरली टाइम फ्रेम पे। इस आवरली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन से मार्केट ने एग्जैक्ट एक रिजेक्शन लिया है। ठीक है, ये एग्जैक्ट रिजेक्शन लिया है। अगर आप देखें, जो ये जो सीपीआर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो अब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो मेरे को आवरली चार्ट क्या बोल रहा है ना, कि जब तक इस लेवल के या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक आवरली कैंडल क्लोज नहीं मिलती है मेरे को यहाँ पे अब लॉन्ग नहीं करना है एग्रेसिवली। ठीक है, डिप आएंगे, डिप बाइंग करने की सोचेंगे हम, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स इंट्राडे के लिए होंगे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता ही हूँ, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं शेयर कर देता हूँ या वीडियो में भी बता देता हूँ, बट पोजिशनली या फिर
एग्रेसिव होके लॉन्ग लेने का वक्त अभी नहीं दिख रहा है जब तक हम लोग इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं देते। ये मेरे को चार्ट बोल रहा है ओवरली, ठीक है, मेरा कुछ व्यू नहीं है, मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो मेरे को मेरा चार्ट बता रहा है, ठीक है। अब यही चीज़ मेरे को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी एग्जैक्ट अगर आप देखें तो इसी ट्रेंड लाइन से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, इसी जोन से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, और जो ब्रेकडाउन लेवल था 15700 का उसको रीटेस्ट करके मार्केट ने थोड़ी सी आज नीचे आने की चेष्टा करी है। अब डेटा देख लेते हैं किस प्रकार से बन रहा है। निफ्टी का डेटा अगर आप देखें, एक का PCR है, ना ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड है, जो है न्यूट्रल PCR के साथ मार्केट चल रहा है और पोजीशंस भी उसी हिसाब से बन रही हैं। 16000 पे मैसिव कॉल राइटिंग है, तो 16000 के ऊपर निकलना थोड़ा मुश्किल होगा अगर तेज़ी और बनती है तो, या फिर अगर आप पुट राइटिंग देखें तो हर लेवल पे बराबर पुट राइटिंग है, तो कॉल और पुट राइटर भी कन्फ्यूजन में है, कोई कन्विक्शन के साथ खड़ा नहीं है। अगर आप 15000 का पुट राइटर छोड़ दें और 16000 का कॉल राइटर छोड़ दें तो किसी को कन्विक्शन नहीं है अभी के मार्केट किस एरिया में जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा। दोनों ने बराबर पोजिशन बनाई हुई है, पहली चीज़ ये हमें डेटा में दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, अगर आपको अब ट्रेड लेना है लॉन्ग साइड का तो निफ्टी का ये वाला स्विंग निकलने दीजिए, या बेस्ट होगा आप ये वाला स्विंग 15,725 का लेवल, 15,725 के लेवल को ब्रेकआउट होने दीजिए। ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छा अपने को एक ट्रेड मिल सकता है। पहला टारगेट जिसका हम लेके चल सकते हैं वो लेके चल सकते हैं 15,820 का, दूसरा टारगेट हम लेके चल सकते हैं 15,880 का। ये टारगेट्स के लिए हम लोग निफ्टी की लॉन्ग पोजिशन बना सकते हैं अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें होता हुआ दिखाई देता है तो। ऑन द डाउन साइड में अगर निफ्टी इस वाले स्विंग को ब्रेक डाउन दे देता है, क्योंकि यहाँ पे इसने अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया था, ठीक है, ये वाला स्विंग इंपॉर्टेंट है, ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है अब निफ्टी के लिए। अगर हम 15,590 और 560 के लेवल, ये 30 पॉइंट की रेंज है, 560 के नीचे अगर ड्रिफ्ट करते हैं, ये स्विंग अगर तोड़ते हैं, तो पहला टारगेट हम लोग जो लेके चलेंगे एटलीस्ट 200 EMA तक का, जो होगा 15,510 का। दूसरा टारगेट जो हम लोग लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे आज के लो का, वो होगा 15,420 का। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर कुछ बड़ा गैप अप या गैप डाउन होगा तो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देता हूँ, इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे आज हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या डिस्कस किए थे, फॉर निफ्टी 15,610 and 625 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, फ्रेश बैंक मोमेंटम वुड इमर्ज ओनली अबव दिस लेवल। तो ये लेवल जैसे ही कटा 100 पॉइंट का अपने को मूव मिला। बैंक निफ्टी में 33,200 and 33,300 का लेवल जैसे ही कटा तो हम लोगों को 200 से 300 पॉइंट का मोमेंटम मिला। तो ये लेवल्स के थ्रू अगर आप ट्रेड करते हैं तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बन जाता है बहुत ही आराम से, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में डेटा थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं इंट्राडे डेटा की बात करता हूँ ना, आज के दिन 1.6 का PCR था एक बार के लिए बैंक निफ्टी के अंदर, और उस PCR की वजह से हम लोगों को बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन आती हुई दिखाई दी, ठीक है। अभी एक चीज़ जो दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है कि 33,500 के ऊपर एक मैसिव कॉल राइटर जो है वो खड़ा हुआ है। उसी कॉल राइटर ने आज हमें प्रेशर जो है वो डाला था। ऑन द डाउन साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहीं पे दिख रहा है तो वो दिख रहा है 33,000 के ऊपर। तो हमारे पास ये रेंज बन के आ रही है 33,500 और 33,500 पॉइंट की ऑन द ऑप्शन चेन डेटा, ठीक है। अब कन्विक्शन किस में ज़्यादा दिख रहा है इस वक्त, कन्विक्शन कॉल राइटर में ज़्यादा दिख रहा है 33,500 की कॉल राइटर में, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, अब आपको निफ्टी को अगर बाय करना है तो देर इज़ अ सिंपल लेवल बैंक निफ्टी को, माफ़ कीजिएगा, बाय करने का, वो है आपका ये वाला स्विंग। ये स्विंग है 33,585 का लेवल। इस स्विंग के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आप बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट जो हम लेके चलेंगे वो 33,770 का लेके चलेंगे, दूसरा टारगेट जो हम लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे एटलीस्ट 34,100 का। जो लोग भी पुराने हैं उन लोगों को पता है 34,100 की कितनी अहमियत है, कितना इंपॉर्टेंट लेवल ही हमारे लिए निकल के आ रहा है। क्रूड ऑयल पे आपको एक नज़र रखनी होगी, अगर क्रूड ऑयल यहाँ से कूल ऑफ होता है, दोबारा से 112 की तरफ आता है, तो डेफिनेटली ये एक बड़ा जो है एक प्लस पॉइंट होगा बैंक्स के लिए, और क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली एक नेगेटिव पॉइंट होगा बैंक्स के लिए। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। शॉर्ट अब बैंक निफ्टी को कहाँ पे करना है, शॉर्ट मैं करूँगा ये वाला जो स्विंग दिख रहा है ना आपको, इस स्विंग के नीचे। ये स्विंग हो गया हमारा 33,050 के आसपास, 33,100, ठीक है, 33,100 के आसपास बैंक निफ्टी अगर 33,100 के लेवल को तोड़ता है तो मैं शॉर्ट करूंगा। पहला टारगेट जो मैं लेके चलूंगा वो लेके चलूंगा अराउंड 32,980 का लेवल। दूसरा टारगेट जो मैं लेके चलूंगा वो लेके चलूंगा आज का लो जो होगा 32,800 का। ये टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं ऑन द डाउन साइड में। तो दोनों ही इंडाइसिस के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डे कल होने वाला है। आज एक अच्छा ट्रेंडिंग डे देखने को
मिला, हो सकता है कल हमें बड़ा ट्रेंडिंग डे ना देखने को मिले, एक थोड़ा वॉलेटाइल एंड चॉपी डे देखने को मिले, तो रोज मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि इतने ज़बरदस्त बड़े मूव हमें ट्रेंड की साइड जो है वो देखने को मिलेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी के लिए नेक्स्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट्स के लिए, कल मेक और ब्रेक वाला दिन हो सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा यार। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम।